दिल्ली फटाफट न्यूज चैनल आज हम आपके सामने एक नई खबर के साथ आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जियो ने 440 वॉट का झटका दे दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के बाद अब जियो ने दिया अपने ग्राहकों को 440 वोल्ट का झटका। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के बाद मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने भी अपने यूजर्स को करारा झटका देते हुए अपने प्रीपेड प्लान महंगे कर दिए हैं और अब नए रेट वाले प्लान 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। यानी अगर आप पुरानी कीमत में सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो पुरानी कीमत में रिचार्ज 30 नवंबर तक कर फायदा उठा सकते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले सस्ते प्लान से शुरुआत करते हैं। 75 रुपए वाले प्लान जियो प्लान के लिए अब यूजर्स को 91 रुपए खर्च करने होंगे। अनलिमिटेड प्लान की बात करें तो 129 रुपए वाले प्लान के लिए अब 155 रुपए, 149 रुपए वाले प्लान के लिए 179 रुपए, 199 रुपए वाले प्लान के लिए 239 रुपए, 249 रुपए वाले प्लान के लिए 299 रुपए, 399 रुपए वाले प्लान के लिए 479 रुपए, 444 रुपए वाले प्लान के लिए अब 533 रुपए खर्च करने होंगे। जी हाँ, आपको बता देगी 329 रुपए वाले जियो वैल्यू प्लान की कीमत अब 395 रुपए, 555 रुपए वाले प्लान के लिए 666 रुपए, 599 रुपए वाले प्लान के लिए 719 रुपए, 1299 रुपए वाले प्लान के लिए 1559 रुपए और 2399 रुपए वाले प्लान के लिए अब आप लोगों को 2879 रुपए का खर्च आएगा। यानी इस वार्षिक प्लान के लिए पूरे 480 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे।